हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो रिलेटेड है फ्लिपकार्ट ऐप की एक प्रॉब्लम से। अगर आप फ्लिपकार्ट में कोई फ़ोन एक्सचेंज करने की कोशिश करते हो, यहाँ पर लिखा आ रहा है आई एम ई आई नंबर डज नॉट मैच विद दिस फ़ोन, ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी जब मैं एक फ़ोन को एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा था। उसका आई एम ई आई कोड डाल रहा था वहाँ पर इस कोड को इनवैलिड बताया जा रहा था। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें अपना कोई भी ब्राउज़र है जैसे क्रोम ब्राउज़र है, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है फ्लिपकार्ट स्पोर्ट। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट स्पोर्ट यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मैं, आपको भी सेम सर्च करना है। तो कैसे उनकी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करें आज की वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिनसे हम कॉन्टैक्ट कर पाएंगे उनकी टीम से। तो यहाँ से हम उनका ईमेल एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर ईमेल एड्रेस मिल चुका है, cs@flipkart.com उनका ईमेल एड्रेस है। तो इस ईमेल एड्रेस पर उनको एक मेल सेंड करना है, किस फॉर्मेट में करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या आएगा, तो जो सब्जेक्ट वो है जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम अपने फ्लिपकार्ट ऐप में, वो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने राइट अ प्रॉब्लम आपको एग्जांपल के लिए बता दिया कि आपको वो प्रॉब्लम लिख देनी है और उसको उसके बारे में बताना है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद कंपोज ईमेल में आ जाना है। तो कंपोज ईमेल में हमें क्या करना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है जैसे हमारा नाम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो फ्लिपकार्ट अकाउंट का है जिस अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है उसका, ये सब इन्फॉर्मेशन दे देनी है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो प्रॉब्लम आ रही है हमें उसको इसके बाद एक्सप्लेन करना है डिटेल में, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कब से आ रही है, ये सब आपको यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ पे ये लिख देना है। ये सब लिखने के बाद हमें क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है जो प्रॉब्लम आ रही है और इस मेल को सेंड कर देना है। तो जैसे आप इस मेल को सेंड करोगे तो 48 घंटों के अंदर उनकी टीम का रिप्लाई आएगा और वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। तो आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।